हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दाईना पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री एमए 09 का लेसन 15 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर में हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। दोस्तों, हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। भारत की आज़ादी का जो इतिहास है, एक लंबा संघर्ष के साथ हमें देखने के लिए मिलता है। भारत की आज़ादी के लिए बहुत सारे क्रांतिकारी आंदोलन चलाए गए, जिसके बाद जाकर हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो पाया। जब हम आंदोलनों की बात करते हैं कि भारत की आजादी में बहुत सारे आंदोलन हुए, तो उन सभी आंदोलन में से एक प्रमुख आंदोलन था जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है भारत की आजादी के लिए। इसके बाद ये आंदोलन के बाद में क्या हुआ, कुछ चीजें बदली भारत के अंदर में। महिलाएं पहले जो भी आंदोलन में उसमें खुलकर सपोर्ट नहीं करती थी, खुलकर बाहर नहीं आती थी, वो किचन तक ही लिमिटेड थी, घर तक ही लिमिटेड थी। पर इस आंदोलन के बाद महिलाओं ने मोर्चा संभाला। हिंदू मुस्लिम जो एकता की बात की जाती थी, और ये भी एक सच था कि अगर हिंदू चाहते कि मैं अकेले भारत को आजाद करवा लेता, या मुसलमान सोचते कि मैं अकेले भारत को आजाद करवा लेता, तो ये पॉसिबल नहीं था। पर इस आंदोलन के बाद में हिंदू मुस्लिम एकता को भी देखा गया, तो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है भारत की आजादी के लिए। तो चलिए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में इस आंदोलन को हम कवर करते हैं। इस लेसन के अंदर में दो क्वेश्चन बनकर आता है। पहला क्वेश्चन तो डिटेल में पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन है क्या, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते किसे है, इसका विस्तार किस प्रकार से हुआ, इसके प्रभाव क्या था, इसका कारण क्या था। ये कुछ एक पहला क्वेश्चन बनकर आता है, जिसमें आपको पूरा डिटेल इसके बारे में देना होता है। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए मैं छोड़ने वाला हूँ, कई बार एग्जाम में ये आया भी है बनकर, देखते हैं कितने स्टूडेंट कर पाते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए यहाँ पे एक तरह से वर्क फ्रॉम होम आपके लिए छोड़ता हूँ कि आप अपने आप घर पे तैयारी करोगे। दूसरा क्वेश्चन आपका रहने वाला है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता क्या थी, क्या उसको सफलता मिली और उसकी असफलता क्या थी, वो यहाँ पर आपको बताना होगा। तो दो क्वेश्चन रहते हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर में। पहला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन आपको अपने आप करना होगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, एक निर्णायक क्षण के तौर पर देखा जाता है, जहां से बहुत सारी चीजें बदली। भारत की जो क्रांतिकारी मूवमेंट चल रहा था ना, उसके अंदर में बदलाव देखा जाता है। इसके अंदर में महिलाएं, निचली जाति के जो लोग थे ना, उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अगर आप भारत की क्रांतिकारी मूवमेंट को देखोगे, जैसे 1857 से लेकर 1947 तक का पूरा सफर देखोगे, तो उसमें एक ऐसा वर्ग था जिसका डोमिनेटेंस था पूरा, उस पर मतलब अधिपत्य चल रहा था, जिसमें हमें उच्च वर्ग के लोगों को ज्यादातर वहां पे देखने के लिए मिलता है क्रांतिकारी संघर्ष के अंदर में। निचले वर्गों का, लोगों का उतना ज्यादा रोल नहीं दिखता है, और रोल दिखता भी नहीं, और उतने बड़े जो मतलब मेन ओहदे थे ना, उस पर नहीं पहुंचे हुए हमें देखने के लिए मिलते हैं। पर इस आंदोलन के बाद क्या हुआ, जो निचली जाति के लोग थे वो भी इसके अंदर में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किए। घर की जो महिलाएं थी, उन्होंने मोर्चा संभाला। महिलाओं का मोर्चा संभालने का भी एक रीजन था, जिसको मैं आगे यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है ना, डांडी मार्च से हुई, जिसे हम नमक सत्याग्रह के रूप में भी जानते हैं। गांधी जी ने क्या किया, 12 मार्च 1930 को, डेट आपको याद रखना है, 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद से साबरमती आश्रम, अहमदाबाद का जो साबरमती आश्रम था ना, वहां से निकलते हैं अपने आश्रम के 78 साथियों के साथ में, 78 जो उनके आश्रम के मेंबर थे, जो साथी थे, उनके साथ में निकलते हैं 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद से, के साबरमती आश्रम से। कहाँ के लिए, तो अहमदाबाद से लगभग 385 किलोमीटर दूर, 385 सोच रहे हो, 385 किलोमीटर दूर भारत के पश्चिमी तट पे, समुद्री तट है, जहां पर एक गाँव है जिसका नाम है डांडी, ठीक है, वहां के लिए निकलते हैं और पैदल निकलते हैं। सोचो, पैदल 385 किलोमीटर का सफर वो तय करने के लिए निकल जाते हैं, ठीक है, महात्मा गांधी जी। और कब निकलते हैं, तो 12 मार्च 1930 को निकलते हैं। और कहाँ के लिए निकलते हैं, तो डांडी के लिए निकलते हैं। और कहाँ से निकलते हैं, तो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से वो निकलते हैं। अब यहाँ पर डांडी के लिए आ क्यों रहे, तो जो डांडी जो पहुंचते हैं वो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी डांडी पहुंचते हैं, 6 अप्रैल 1930 को। मार्च में निकलते हैं और अप्रैल में जाकर पहुंचते हैं। सोचो कितना टाइम तक, वो महीने भर का ऑलमोस्ट मान के चलो, महीना भर, ऑलमोस्ट महीना, डेढ़ महीना वो पैदल चलते रहे मार्च से अप्रैल तक के लिए। एक लंबा, बहुत बड़ी बात है, आज के समय में कोई नेता करना नहीं चाहेगा। राहुल गांधी ने अभी भारत जोड़ो यात्रा किया था कुछ समय पहले, ठीक है, मैं कह सकता हूँ एक ना अच्छा मूवमेंट था उनकी तरफ से, और एक गुड जेस्चर लोगों को कनेक्ट करने का, ठीक है। हुआ नहीं हुआ वो तो 2024 का इलेक्शन में हमें पता चलेगा, बट एक अच्छा जेस्चर आप बोल सकते हो, एक नेता के थ्रू लोगों को कनेक्ट करने का, ठीक है। कुछ कमी रहती है चीजों के अंदर में, बट वहां पे एक अच्छा जेस्चर था लोगों को कनेक्ट करना, चलना, इतना बड़ा, बहुत बड़ी बात है, आज के समय पॉसिबल नहीं है। तो गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचते हैं। यहां पर गांधी जी क्या करते हैं, नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। आप सही सुन रहे हो, नमक कानून। नमक कानून क्या था, तो अंग्रेजी सरकार जो थी ना, ब्रिटिश सरकार थी, नमक के ऊपर में उसका एकाधिकार था, वही सिर्फ नमक का उत्पादन कर सकते थे, उनके अलावा कोई भी व्यक्ति उसका उत्पादन नहीं कर सकता था, और उसके लिए पूरी तरह से टैक्स देना पड़ता था। नमक लोगों के लिए नहीं था, आम लोगों के लिए नहीं था,
इसका जो उत्पादन था ना उसको एक तरह से एकाधिकार मोनोपोली कायम कर रखा था ब्रिटिश सरकार ने, और दूसरे के द्वारा उत्पादन करना मतलब उसे अवैध माना जाता था, ये यहाँ पे एक रूल बना लिया था उन्होंने। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर में नमक सत्याग्रह के बदौलत बहुत बड़ा समर्थन प्राप्त हुआ। जब गांधी जी 385 किलोमीटर चलते हैं ना, तो उसके बाद लोगों का जो हुजूम होता है ना बहुत बढ़ चढ़ कर उनका सपोर्ट करता है, और यहीं से नमक सत्याग्रह का शुरुआत हो जाता है। और जैसे ही ये नमक बनाकर ना, ये जो नमक का कानून था ना उसको तोड़ते हैं, उसके बाद यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन का वो ऐलान करते हैं, और यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाता है। तो ये जो पूरा सफर था ना इसको डांडी मार्च के तौर पे भी हम देखते हैं, इसको डांडी मार्च भी बोला जाता है या नमक मार्च भी बोला जाता है, ठीक है, नमक मार्च के तौर पे भी इसको जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार की जो नीति थी उनके नागरिकों के प्रति विरोध का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है, जो नागरिक थे ना वो विरोध को जताने के लिए नमक मार्च के लिए जुड़ने लगे। जब गांधी जी 385 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए सोचते हैं कि हम साबरमती से दांडी जाएंगे, तो वो पहले सिर्फ 78 लोगों के साथ ही निकलते अपने आश्रम के, 78 लोगों के साथ ही, पर जब वो दांडी पहुंचते हैं ना तो वहां पे हजारों की संख्या में उनके पीछे भीड़ चल रही होती है, और एक तरह से जो लोग उसके साथ में जुड़ रहे होते हैं ना, अलग अलग जगह पे जो मूवमेंट चल रहा होता है वो ये दिखाता है कि हम ब्रिटिश सरकार का किस तरह से हम विरोध कर रहे हैं, इसका यहाँ पे प्रतीत देखा जाता है उसको। दांडी मार्च को अहिंसक आंदोलन के तौर पर इसको एस्टेब्लिश किया गया। इससे पहले जितने भी आंदोलन हो रहे थे ना कहीं एक ऐसा मुख मोड़ रहा था उसका आंदोलन का, ऐसा एक जगह पे पॉइंट आ जा रहा था जहां पे वो हिंसक रूप ले रहा था, पर यहाँ पे जो दांडी मार्च का आयोजन किया गया गांधी जी का जो ये था नमक का विरोध करना, उसके लिए पूरी तरह से अहिंसक आंदोलन के तौर पे इसको बनाया गया। अगर मैं आगे यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी व्यूवर से जो भी हमारे दिन आपको देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। द इन अप के ऊपर में एमए हिस्ट्री से रिलेटेड आपको सारी वीडियो मिलने वाली है, बीएस रिलेटेड मिलने वाली है, और जो भी हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं आपके वो मिलने वाले हैं यहाँ पर, टाइम टू टाइम वीडियोस आती रहेंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ जो हमारा नव इन्फो है जहाँ पे आपका एग्जाम से रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड, इग्नू से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड जो भी अपडेट आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे मिलता रहेगा, तो यहाँ पर नव इन्फो को भी आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले अगर अभी तक आप हमारे दिन अप के मेंबर नहीं बने, हमारे फैमिली मेंबर नहीं बने, हमारा 60,000 के फैमिली मेंबर हो चुका है, इसको बड़ा कीजिए, आप भी हमारे फैमिली मेंबर बनिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है और हमें भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके एक एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से, ठीक है। जैसे देखो हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, हमें ऐसा कुछ मिल नहीं रहा, यूट्यूब हमें कुछ इतना देता नहीं है कि हमारा घर बार चल सके, पहली चीज रियलिटी ये है। बट ये है ना कि कभी ये जो कमियां है ना जो मैंने फेस करी है, जो मैं हमें कर रहा था नहीं मिली थी और चीजें हैं, वो मजा आता है पढ़ाने में, कनेक्टिविटी होता है ना, मजा आता है, तो उसके लिए मैं अपना शौक के लिए पढ़ाता हूँ। तो थोड़ा सा अगर आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब मिलता है ना हमें मोटिवेशन मिलता है, अर्निंग अलग मैटर है बट वहाँ पे एक मोटिवेशन मिलता है कि हमें और अच्छे से मेहनत करना है और अच्छे से लेकर आना है। अगर आप पीछे की यहाँ पे मैं वीडियो से थोड़ा हटकर बोलूँ तो पीछे से अगर आप ना साल भर पहले की अगर आप वीडियो देखोगे तो मैं डायरेक्ट बुक को एनालाइज करके बताता था कि बुक में ऐसे ऐसे ये चीज़ है, उसके बाद यहाँ पे हमने धीरे धीरे इंप्रूव किया, नोट्स लेकर आ रहे हैं अलग अलग जगह पे, नोट्स आपको दे रहे हैं, आपको एमए हिस्ट्री का नोट चाहिए डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन के अंदर में गूगल ब्लॉगर का लिंक है, वहाँ पे जाइए, वहाँ से लिंक मिल जाएगा, आपको नोट्स पढ़ सकते हो, अपना क्वेरा पे आप नोट्स पढ़ सकते हो एमए हिस्ट्री का, और दोनों जगह पे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ पे नहीं करना। जिस पे वीडियो में बना रहा हूँ ना सब कुछ आपके बुक से उठाया है, आप बुक को खोलो, इसको खोलो, एकदम सेम सिमिलर दिखने वाला है। बुक में 20-25 पेज में पूरा चैप्टर है, यहाँ पे मैंने आपको एक पेज में पूरा समझा रहा हूँ डिटेल में, तो वो चीजें ही है बट आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो आप अगर एक लाइक से सब्सक्राइब करोगे ना तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा वापस ट्रैक पे आता हूँ और स्टार्ट करते हैं आगे। तो जो दांडी मार्च था ना वो अहिंसक आंदोलन के रूप में इस्टेब्लिश किया गया। यह नमक पर ब्रिटिशों के एकाधिकार के खिलाफ शुरू हुआ, जो ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार था ना नमक के ऊपर में कि हमारे अलावा कोई भी नमक का उत्पादन नहीं कर सकता, उसके खिलाफ ये आंदोलन स्टार्ट किया गया। इसमें गांधी और उनके समर्थक जो थे समुद्री जल से नमक बनाकर ब्रिटिश कानून को तोड़ा उन्होंने, ठीक है। ब्रिटिश का जो कानून था कि नमक कोई और व्यक्ति नहीं बना सकता है, तो गांधी जी ने नमक बनाया समुद्री जल से और उस कानून को तोड़ा उन्होंने। इसके दौरान में दांडी में हजारों लोगों ने उनका अनुसरण किया, गांधी जी ने अकेले नहीं तोड़ा नमक, वहां पे हजारों लोग उनके पीछे खड़े थे। वो निकले तो आश्रम से सिर्फ 78 लोगों के साथ में थे, पर जब वो दांडी पहुंचे ना तो हजारों की संख्या में लोग उनके पीछे खड़े थे जो इस कानून को तोड़ रहे थे, ठीक है। बंबई और कराची के तटीय शहरों में भी भारतीय जो राष्ट्रवादी थे वो नमक बनाने में नागरिकों का नेतृत्व किया, जो अलग अलग जगह, ऐसा नहीं था कि सिर्फ दांडी के अंदर में गांधी जी खड़े तो वहीं पर होना है, अलग अलग जगहों में भी जो राष्ट्रवादी विचारधारा के जो लोग थे जो भारत को स्वराज प्रदान कराना चाहते थे, स्वराज के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने अलग अलग जगह पर इसका नेतृत्व किया और नागरिकों के द्वारा नमक कानून का विरोध किया गया। नमक कानून तोड़ने के इस कृत्य को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी गई। यहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनकर आता है ना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या है,
सबने मतलब क्या होता है आदर से, कोई ऐसा नहीं कि बदतमीजी करना है कि भैया मैं तेरा नहीं मान रहा, जो उखाड़ना उखाड़ ले, ऐसा कुछ नहीं बोलना, एकदम आदर से। अब क्या करना, जो भी उसका रूल रेगुलेशन है ना, जो भी उसने कहना बोला ना कि भैया ये मेरी बात मान, उसको मानने से मना कर देना और उसी को आंदोलन के रूप में लेके चलना। ऐसा नहीं है कि कोई कानून तोड़ देना है, किसी का मर्डर कर देना, ऐसा कुछ नहीं। उसने बोला कि आपको हम मेडल दे रहे हैं, भैया हमें नहीं चाहिए। उसने बोला हम सरकारी नौकरी देंगे, भैया हमें नहीं चाहिए सरकारी नौकरी, हमने मना कर दिया। ठीक है, उसने बोला ये कानून है, तोड़ दिया। अगर वो बोल रहा है सजा देंगे, दे दे भाई, हम तेरा नहीं मानेंगे। इस तरीके से चीजें की गई, इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन बोला गया। ठीक है, यहाँ को या इस आंदोलन को खिलाफत आंदोलन से मत ले लेना। ठीक है, उसके अंदर में चीजें अलग की गई थी, इसके अंदर में अलग की गई थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये चीजें रहता है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, तीनों अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना। क्योंकि बहुत बार मैंने जब आंसर शीट चेक करता ना, जो कई सारे बच्चे होते हैं जो पिछले पीछे के साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके हमें व्हाट्सएप पे भेजते हैं कि सर हमने ये इस तरह से किया है, और कई बार जब मैं टेस्ट भी ले रहा होता हूँ तो उसमें जब आंसर शीट आता है उसमें मैंने कई बार नोट किया है कि तीन जो आंदोलन है, असहयोग आंदोलन, ठीक है, खिलाफत आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीनों को एक समझा जाता है। बस नाम सही अलग अलग लग रहा है कि खिलाफत खिलाफ हो जाना किसी के, असहयोग उसका साथ नहीं देना, और सविनय अवज्ञा मानने से मना कर देना। तो तीनों का ना एक तरह से ना एक ही मीनिंग के निकाल कर चलते हैं और तीनों का आंसर सेम लिखते हैं, तो ये तीनों अलग अलग है भाई, ये भी माइंड में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं और डिटेल में समझते हैं। यहाँ से आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण क्या था, भैया किस कारण से हुआ, क्या लफड़ा था, क्या किस क्या कारण था भैया सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का, क्यों गांधी जी ने किया। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा, थोड़ा सा बैकग्राउंड को हमें देखना पड़ेगा, 1922 के अंदर में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, जो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था उसको स्थगित कर दिया, उन्होंने रोक दिया कि असहयोग आंदोलन यहाँ पे हम विड्रॉ करते हैं, अब यहाँ पे नहीं चलेगा असहयोग, खत्म। उसके बाद क्या होता है कि पूरे देश भर में ना निराशा का वातावरण फैल जाता है, जो लोगों के अंदर में क्रांतिकारी मूवमेंट चल रहा था ना कि भैया अब मर जाएंगे, मिट जाएंगे, एकदम चीर देंगे, फाड़ देंगे, ऐसा वाला जो मूवमेंट था ना एकदम, वो यहाँ पर रुक जाता है। ठीक है, जो देश के युवा थे, जो एक राष्ट्रवादी विचारधारा लोगों के अंदर में थी, क्रांतिकारी जो विचारधारा थी, सोच थी, वो यहाँ पे उसके कारण से एक रुक जाता है, थमसा जाता है कि यार ऐसा क्यों हो गया, गांधी जी ने क्यों रोक दिया। उसके बाद क्या होता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होती है उसकी सदस्यता में भी कमी आने लगती है, सदस्य मेंबरशिप लोग छोड़ने लगते हैं। कांग्रेस के भीतर जो गांधीवादी रणनीति होती है ना, गांधीवादी जो विचारधारा होता है, उसके ऊपर से विश्वास उठने लगता है लोगों का, जो भी कांग्रेस के अंदर में जुड़े होते हैं। और देश के अंदर में भी बहुत सारे वर्ग ऐसा होता है जो ये फैलाने का काम करता है, र्यूमर इस तरह से फैलाने का काम करता है कि गांधी जी की जो सोच है ना, र्यूमर है, जो गांधी जी की जो मतलब एक आइडियोलॉजी है ना कि इस तरीके से हमें लड़ना है, इस तरीके से हमारा देश आजाद होगा, वो सही नहीं है, वो उस पर उसके तरीके से हम आजाद नहीं हो सकते, ये देश में फैलाया जाएंगे। ठीक है, बहुत जोर शोर से। इसका रीजन क्या होता है, गांधी जी की विचारधारा होती है कि भैया हमें लड़ना नहीं है, हमें प्यार से देश को जीतना है, हमें प्यार से देश को आजाद कराना है, अहिंसा के राह पर हमें चल के देश को आजाद कराना है। तो बहुत सारे जो गरम दल के नेता थे ना, वो इसके विरोध में थे कि अगर यार इस तरीके से नहीं हो सकता, क्योंकि असहयोग आंदोलन के अंदर में जब हिंसा का रुख लेता है ना, जब वो पूरा आंदोलन हिंसा में परिवर्तित होने लगता है, कई जगह पे हिंसा होती है, आगजनी होती है, ठीक है, फायरिंग होती है, लाठीचार्ज होता है, तो उसके बाद ना उसको और एग्रेशन के साथ में आगे बढ़ाया जाता है। पर गांधी जी जब इसको विड्रॉ करते हैं ना, तब एक तरह से निराशा का माहौल हो जाता है और वहां पे वो चीजें, उनकी जो विचारधारा आइडियोलॉजी है उसके ऊपर में प्रहार किया जाता है कि ये सक्सेसफुल नहीं है, ये विश्वास करने लायक नहीं है। ठीक है, इस पे विश्वास करके आप देश को आजाद नहीं करवा सकते, इस तरह का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। पर जो नव क्रांतिकारी वर्ग था ना, वो क्रांतिकारी हिंसा की ओर कदम बढ़ाने लगे गांधी जी के इस स्टेप के बाद कि विड्रॉ कर लेते हैं असहयोग आंदोलन को, इस बार और ज्यादा हिंसा देखने के लिए मिल जाता है। 1920 के दशक के अंदर में मध्य 1920 का जो मध्य टाइम था ना, मिडाइवल टाइम पीरियड अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों भी मुंह मोड़ने लगे। एक टाइम ऐसा आ गया था कि मुसलमान भी बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रहा था। यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि मुसलमान जो था ना, अपना मन मर्जी वाला बंदा था, अगर आप उसके पास जा रहे हो तो ठीक है, देश आजाद हो रहा है तो ठीक है, नहीं आजाद हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें वो उतना ज्यादा फालतू का नहीं था। जो नॉर्मल बाकी अगर आप समूहों को देखोगे ना, तो देश की आजादी के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे वाला चल रहा था। और मुस्लिम वर्ग के अंदर में कुछ लोग, कुछ आइडियोलॉजी और कुछ तबके को छोड़कर ना, काफी बड़ा तबका एक ऐसा था जो मतलब मस्त पड़ा हुआ था कि यार चल कोई नहीं, हो जाएगा। और कई सारे बुक्स में आपको ये देखने के लिए मिलेगा, इवन इग्नू के बुक में तो आप देखोगे ना, तो आपको इग्नू की बुक पढ़ोगे ना, तो आपका पूरा बुक ना झुकाव एक तरफ ही देखने के लिए मिलेगा। वहां पे ऐसा लगेगा कि जिसने लिखा है ना बंदा, वो मतलब एक वर्ग को इतना ज्यादा चाह रहा था कि उसके लिए ही पूरा लाइन लिख दिया। कई जगह पे आपको ये फील होगा, पर वहीं पर कई सारे जो दूसरी बुक्स पढ़ोगे तो उसके अंदर में कुछ और आपको देखने के लिए मिलेगा। ये लास्ट टाइम एक वीडियो के अंदर में सेम लाइन में बोल रहा था, कि स्टूडेंट ने पूछा कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो इसका मैं रीजन यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ कि जैसे लिखने वाला बंदा जो होता है ना, जो राइटर है,
वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका झुकाव किस तरह है। मान के चलो मैं किसी गवर्नमेंट के बारे में लिख रहा हूँ, अब मेरा झुकाव ठीक है मोदी गवर्नमेंट की तरफ है, ठीक है मान के चलते हैं मोदी गवर्नमेंट की तरफ है, उसका मैं बहुत कट्टर सपोर्टर हूँ एक तरीके से मान के चलते हैं, तो अगर मैं मोदी गवर्नमेंट की बुराई भी लिखूंगा ना, तो मैं इस तरीके से लिखूंगा ना कि मोदी गवर्नमेंट के सपोर्ट्स में लगे, सपोर्ट में लगे, और पूरा मैं अपना ऐसा मतलब जुजाल लगा दूंगा ना उसको अच्छा दिखा सके, ठीक है। तो इस तरीके से जो इतिहासकार था, जो लिखने वाला राइटर था, उसका जिस तरह की मेंटेलिटी थी और जिस वर्ग को सपोर्ट कर रहा था, उसके लिए ही वो इतिहास लिखा जाता था, उसकी तरफ वो झुकाव कहीं ना कहीं थोड़ा सा टिल्टेड हमें देखने के लिए मिल जाता है। वापस आते टॉपिक पे, तो जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था ना कि भारत को आजाद करना, उसमें से मुसलमान भी मुंह मोड़ने लगे 1920 के दशक में। जगह जगह दंगे शुरू हो चुके हैं, हिंदू मुसलमान का चलने लगा है। इसका रीजन एक ये था कि जो ब्रिटिश सरकार था उसका जो पॉलिसी था, यहाँ पे नई पॉलिसी वो स्टार्ट करते हैं कि फूट डालो शासन करो। यहाँ पे जब उन्होंने देखा कि हिंदू मुस्लिम एकता कायम हो रही है, हिंदू मुस्लिम एक होकर हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने फूट डालो शासन करो की नीति स्टार्ट करते हैं। और वहां पे सबसे पहले कहते हैं भैया इन दोनों हिंदू मुस्लिम को अलग करो, अगर ये दोनों साथ में रहेंगे ना तो हमें तो यहाँ पे बैन रह नहीं सकते, तो इनको सबसे पहले अलग करो, इस तरह की नीति स्टार्ट हो जाती है। फलस्वरूप आप रात देखोगे तो राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन आने लगता है। देश के विभिन्न भागों में जो लोगों की आर्थिक स्थिति होती है बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। आर्थिक स्थिति खराब होने का एक रीजन ये भी रहता है कि 1920 के दशक में जस्ट हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी बाहर ही आए थे। 1914 से लेकर 1917 तक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ही टाइम रहा, और इसके बाद भारत के ऊपर में ऐसी आर्थिक मार बहुत ज्यादा पड़ चुका था, जो वस्तुओं की कीमत थी वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, ठीक है पूरा व्यापार ठप पड़ चुका था, तो ये भी एक रीजन था जिसके कारण से आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। महंगाई अपने चरम पर मानी गई, चरम सीमा पर एकदम हाईएस्ट लेवल पे महंगाई पहुंची हुई थी उस टाइम पे, और मजदूरों का जो जीवन था ना बस से बदतर हो चुका था, और इसके कारण से ना वे लोग भी आंदोलन करना चाहते थे। यहाँ पे मजदूर आंदोलन करना चाहते थे, इसका भी एक रीजन है जो मैंने आपको पीछे की वीडियो में बताया था। इसका रीजन क्या है कि 1917 के अंदर में रशिया के अंदर में रशियन क्रांति हुआ, रूस की क्रांति हुई, जिसे हम बोल्शेविक क्रांति भी बोलते हैं, खूनी क्रांति भी बोलते हैं, लाल क्रांति भी बोलते हैं, अक्टूबर की क्रांति भी बोलते हैं, और भी बहुत सारे नामों से हम बोलते हैं उसको। वीडियो मैंने डिटेल में बना रखा है रूस की क्रांति का, आप जाओ प्लेलिस्ट के अंदर में आपको मिलेगा, वहां पे डिटेल में समझोगे। तो 1917 की जो रूस की क्रांति हुई ना, उस क्रांति को पूरी तरह से किसान और मजदूर लीड कर रहे थे, वो किसान और मजदूरों की विचारधारा पे चलने वाली क्रांति थी, जिसके बाद भारत के जो मजदूर थे ना कहीं वो अट्रैक्ट हो चुके थे उस पे, मतलब एक तरह से उनकी जो विचारधारा थे ना उनके ऊपर इंपैक्ट कर रही थी कि जो उस विचारधारा है ना साम्यवाद का, समाजवाद की विचारधारा, वो हमारे लिए, हमें भी आंदोलन करना चाहिए और उसी विचारधारा पे करना चाहिए। इस तरह की चीजें भारत के अंदर चलने लगी थी, जिसके कारण से वो लोग भी आंदोलन करना चाहते थे। भारतीय जो व्यवसायिक और उद्योग था वो भी वर्ग असंतोष था, ठीक है उसके अंदर में भी चीजें असंतोष हमें देखने के लिए मिल जाता है। साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जा रहा था देश के अंदर में, और जो राष्ट्रीय इतिहास था एक नया क्रांतिकारी मोड़ उस समय ले रहा था। लाला लाजपत राय की जो मृत्यु होती है ना, हत्या की जाती है, मृत्यु की जाती है लाठीचार्ज में, ठीक है जैसे ही लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है उसके बाद देश के अंदर में और चीजें परिवर्तित हो जाता है। चलो मैंने लास्ट वीडियो, अगर आपने लास्ट वाला हमारा चैप्टर नंबर 14 देखा होगा ना, तो मैंने उसमें बताया था कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी और कहां पर हुई थी। तो मैं यहां पर क्वेश्चन ऑफ द वीडियो रेज करूंगा सभी व्यूअर्स से, हमारे जीत दाइन आपके परिवार जितना बड़ा है ना, सभी से जो भी वीडियो अभी तक देख रहे हैं उनको मुझे बताएं लाला लाजपत राय जी की मृत्यु कहां पर हुई थी और क्या रीजन था, किस कारण से लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब जैसे ही लाला लाजपत राय जी की मृत्यु होती है ना, तो फरवरी 1930 के अंदर में सर्वदलीय रिपोर्ट का समायोजन किया जाता है, और यहाँ पे लाला लाजपत राय जी की मृत्यु के बाद ना देश के में और ज्यादा हिंसा बढ़ जाते हैं। जो लोग होते हैं ना जैसे भगत सिंह, बाकी जो लोग थे, और क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित हो जाते हैं, और वहां पे अंग्रेजों से बदला लेने का स्थान थे कि हम इनको बदला लेंगे, इनको हम मार देंगे, जो जिम्मेदार था अफसर उसको हम मार देंगे, ये ठान लिया जाता है। फरवरी 1923 के अंदर में सर्वदलीय रिपोर्ट लाई जाती है, जिसके अंदर में क्या पूरा स्थिति है उसके बारे में बात की जाती है। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता के अंदर में 9 सदस्यों की एक समिति बनाई जाती है, जो संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए नियुक्त की गई थी कि किस तरह से हमारा संविधान हो। मोतीलाल नेहरू ये चाहते थे कि भैया भले ही तुम राज करो और हमारे भारत के ऊपर में राज करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो भी रूल रेगुलेशन बना रहे हो कम से कम उसके अधिकार ना भारत के लोगों का होना चाहिए। भारत के लिए बना रहे हो, जिसको भारत के बारे में जानकारी है वो उसके लिए बना रहे हो, वो उनके ऊपर बना रहे हो, तो कम से कम उसके अंदर में उनको सम्मिलित करो, किस तरीके से संविधान बनना है, क्या चीज करना है, वो चीजें करो। तो 1923 के बाद यहाँ पे 9 सदस्यों की एक समिति बनाई जाती है, जिसके बाद जो संविधान किस तरह से बनेगा उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए इसकी समिति का गठन किया जाता है। अगस्त 1928 के अंदर में लखनऊ के अंदर में एक नेहरू रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, जिसको मान्यता दिया जाता है कि ये रिपोर्ट सही है और इसके हिसाब से आगे
बढ़ेगा। इसमें ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत भारत के अंदर में जो स्वशासित स्वराज की मांग की गई थी इसके बारे में बात की गई। जो नेहरू रिपोर्ट थी ना 1928 के अंदर में आई, तो किस तरह से भारत के अंदर में स्वशासित स्वराज की मांग की गई कि अपना शासन हो, किसी और के ऊपर हम डिपेंड ना हो, किसी और का शासन ना हो, किस तरह से हम अपना स्वशासन की मांग करी जा रही है। नेहरू रिपोर्ट पब्लिश की गई जिसके बाद यहाँ पे ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत इसके लिए मांग उठाई गई कि भैया ये चीज है नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत। ठीक है, 1929 के अंदर में जवाहरलाल नेहरू ने और महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार से स्वराज स्वराज का प्रस्ताव रखा ब्रिटिश सरकार के सामने, तो भैया हमें स्वराज चाहिए, इसका प्रस्ताव रखा ब्रिटिश सरकार के सामने। जिसके बाद क्या हुआ, स्वराज की जो प्रस्तावना था ना उसको अस्वीकार कर दिया गया ब्रिटिश सरकार के बाद, उन्होंने मानने से इसे इनकार कर दिया। जिसके बाद गांधी जी के द्वारा यहाँ पर जो ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन था ना, ये इसको स्टार्ट किया गया क्योंकि इनके अलावा इसके पास कोई उपाय नहीं था। गांधी जी ने चेतावनी भी दी थी कि आप हमारी मांग को मान लो, स्वराज वाला जो हमारा मांग है इसको मान लो, नहीं तो हम यहाँ पे आंदोलन करेंगे। जिसके बाद गांधी जी ने इस आंदोलन का स्टार्ट किया। मैं यहाँ पे कारण बता रहा हूँ कि क्यों आंदोलन हुआ, तो ये भी एक रीजन था यहाँ पे स्टार्ट करने का। गांधी जी ब्रिटिश सरकार को हिंदुस्तान की एकता का एहसास दिलाना चाहते थे कि भारत एक है, ऐसा नहीं कि टुकड़ों में बटा हुआ, जिसके कारण से यहाँ पे ये आंदोलन किया गया। गांधी जी ने और बाकी सब ने मिलकर शांति अहिंसा का मार्ग अपनाकर अंग्रेजों की जो कानून थी ना उसको तोड़ा, अंग्रेजों के द्वारा जो भी कानून बनाए गए थे उसको तोड़ने का प्रयास किया गया। ठीक है, ये समझ में आता है। आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम समझते हैं प्रभाव क्या था, जो ये आंदोलन हुआ इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा लोगों के ऊपर में। तो जो आंदोलन में ब्रिटिश सरकार था उसके भारतीयों की शक्ति का एहसास हुआ, एकता का एहसास हुआ कि भारत के लोगों के अंदर में एकता है, भारत के लोग जो है वो एक साथ मिलकर खड़े हैं, इस चीज का एहसास हो जाता है। ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को लंदन में आमंत्रित किया, इसके लिए तो गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन में जो आयोजित सम्मेलन था उसको हमें भारतीयों को निमंत्रण मिला, जो बड़े बड़े नेता थे कांग्रेस पार्टी के, साथ साथ में इस सम्मेलन के अंदर में कोई भी शामिल नहीं हुआ, उसको बहिष्कार किया गया, हम इस सम्मेलन के अंदर में शामिल नहीं होंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन देश का सबसे बड़ा आंदोलन में से एक माना गया। ठीक है, इसके अंदर में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। अब यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बताया था महिलाओं ने इसके अंदर में पार्टिसिपेट क्यों किया, इसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले जितने भी आंदोलन हुए ना भारत के अंदर में, कहीं ना कहीं एंड टाइम पर जाकर वो हिंसक रूप में तब्दील हो गया, वहां पे चेंज हुआ और हिंसा में आगे बढ़ने लगे, और गांधी जी हिंसा के सख्त विरोधी थे। तो उसके बाद उनको ये समझ में आया कि जो आदमी है ना वो सहनशील कम है, पुरुष जो है सहनशील कम है, वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह फंस जाता है जहां पे वो हिंसा कर लेता है। तो यहाँ पे ये गांधी जी के द्वारा रिक्वेस्ट की गई कि महिलाओं को मोर्चा संभालने दो, वो ज्यादा सहनशील है और उनको वो अगर वो मोर्चा संभालेंगे तो यहाँ पे हिंसा होने की चांसेस कम रहेगा, ये चीजें की गई। साथ साथ में जैसे मान लो कानून तोड़ रहे थे जो भी, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर में कानून को मानने से इनकार किया गया, कानून तोड़ा गया, तो जो भी कानून तोड़ रहा था ना तो उसको जेल में यहाँ पे डाला जा रहा था। अगर जेल में डाला जा रहा है, आदमी को जेल में डाल दिया, तो भैया सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाल दोगे तो आंदोलन कौन करेगा। तो जो भी घर की औरतें थी ना उन्होंने आंदोलन का मोर्चा संभाला, खुद मोर्चे में बैठकर उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य किया। इस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ता है। महिलाओं ने पहली बार घर से बाहर निकलकर देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर में महिलाओं ने अपना अहम योगदान दिया, इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, इस आंदोलन में कई सारी महिलाएं भी जेल में गई, ऐसा नहीं था कि पुरुष ही सिर्फ जेल में जा रही थी, बहुत सारी महिलाएं भी इसके अंदर में जेल गई। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की वजह से लोगों के मन में जो स्वाधीनता के प्रति एक उम्मीद थी ना, आशा थी, वो किरण जग जाती कि भैया हमें लड़ना है, कहीं ना कहीं वो खत्म होता जा रहा था कि हमें आजाद नहीं हुआ देश, ये चीज है वो चीज, पर वो एक किरण जग जाती कि हाँ हम लड़ सकते हैं और हम यहाँ से जीत सकते हैं, ये चीजें यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। महात्मा गांधी के साथ साथ जो बाकी भारतीय थे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद निडर होकर खड़े हो जाते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, जा जो करना ना कर ले, मैं यही हूँ, देख लूंगा तुझे, इस तरीके से वो कर बोलकर खड़े हो जाते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। और यहाँ से भारत का जो आजादी का सफर है ना 15 अगस्त 1947 तक का वो चलना शुरू होता है, और हमारा देश जाकर 15 अगस्त को आजाद होता है। ठीक है, तो ये पूरा जो बुक है ना आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मतलब मिलने वाली इन वीडियोस के थ्रू, हर एक चैप्टर के अंदर में आपको समझ में आएगा कि हमारा आजादी का मूवमेंट किस तरह से चला। आज के समय की ना एक विडंबना है, विडंबना क्या है कि हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 की आजादी के लिए कुछ लोगों का हम नाम भी जानते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का नाम इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे अनसीन हीरोज हैं, बहुत सारे अनसीन इवेंट्स हैं जो इस पूरे क्रांतिकारी इतिहास के अंदर में हुए, उसके बारे में हम नहीं जानते, और इस बुक के अंदर में वो चीजों को कवर किया गया है। पूरी तरीके से तो नहीं, पर फिर भी थोड़ा 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 करके ट्राई किया गया उसको कवर करने का, जो आप सभी व्यूवर्स को, आप सभी स्टूडेंट्स को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपको अपने देश का इतिहास नहीं पता, देश के आपके संघर्ष नहीं पता, तो आप क्या पढ़ोगे, क्या आगे जाओगे।
किसी चीज को जानकारी हो ना हो, आपको मैथ है साइंस में है अलग बात है, पर आपको अपना इतिहास पता होना चाहिए, अपने देश के संघर्ष पता होना चाहिए। और ये लाइन में क्यों बोल रहा हूँ, इसराइल के जो लोग हैं, मैंने अभी कुछ वीडियोस देखी कि कई जगह से जो भारत के अंदर में इसराइल के लोग रहते थे, ठीक है, उत्तराखंड में, हिमाचल में और बहुत सारी अलग अलग जगह पे भारत के अंदर में इसराइल के जो लोग रहते थे, दूसरे जगह पे जो इसराइल के लोग रहते थे, वो फटाफट पहली गाड़ी से ना, जैसे ही उनको मिल रहा मौका, पहली गाड़ी से वो अपने वतन जा रहे हैं, वापस इसराइल जा रहे हैं और वो अपने युद्ध में शामिल हो रहे हैं। आपको पता ही इसराइल और अभी गाजा का युद्ध चल रहा है प्रॉपर, फिलिस्तीन का शामिल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनको अपने देश का इतिहास पता है कि उनके देश के लिए लड़ना उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर वो आज हमारी तरह बैठ जाएंगे ना घर पे कि चल छोड़ यार, हमें देश आजाद हो गया ना, हमें क्या करना है, टिकटॉक पे वीडियो बना लेंगे, इंस्टा पे रील देख लेंगे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख लेंगे, इस तरीके से अगर हम टाइम पास करना सीख गए ना, मतलब वो हमारी तरह सीख गए ना, तो शायद वो जो आज फिलिस्तीन का हाल है ना, वो इसराइल का हाल होता। ठीक है, अपने दुश्मन देशों के घिरे होने के बावजूद वो खड़ा नहीं हो पाता। सबसे बड़ा इसका रीजन क्या है कि उन देश के लोगों के अंदर में ना एक स्पिरिट है कि हाँ, हमें अपने देश के लिए खड़ा होना है। वो अपने देश का इतिहास जानते हैं, जो हमारे भारत के साथ में विडंबना है कि हम नहीं जानते और ना हमें कभी हमारे बुक्स में पूरी तरह से बताया गया है। हम दो चार गिने चुने नामों के पीछे ही दबके रह गए कि ये हमारे देश को इन्होंने आजाद कराया। ठीक है, हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है जहाँ पे बायोग्राफी मैंने कवर करवा रखी है, जिसमें अलग अलग लोगों के बारे में मैंने बताया कि किस तरीके से किसका योगदान क्या था भारत की आजादी में, जिसके बारे में कभी आपके बुक्स में नहीं पढ़ाया गया। तो यहाँ पे मैं वीडियो एंड करूंगा, बट लास्ट में मैं एक बार रिक्वेस्ट फिर से आप सभी व्यूवर से करूंगा, सभी द इनफ के परिवार से करूंगा, कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे जो द इनफ का परिवार है ना, 60,000 का हो चुका है, जल्दी से जल्दी इसको 1,00,000 तक पहुंचाएं। हम आपके बहुत ज्यादा धन्यवाद होंगे, थैंकफुल होंगे आपके लिए, क्योंकि आपके एक एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें और अच्छे से वीडियो बनाना है और अच्छे से मेहनत करना है और आपको क्लियर करके टॉपिक एकदम छोड़ना है, जिससे आपके क्वेश्चन अगर देखते हैं ना, आप बोलो कि हाँ यार, द इनफ वाले सर ने पढ़ाया था, पूरा आता है क्वेश्चन, मैं इसको इजिली सॉल्व कर लूंगा, ये हम चाहते हैं। ठीक है, साथ साथ में अगर आपको नोट्स चाहिए, जो ये वाला आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पीडीएफ चाहिए इसकी डायरेक्टली, तो पीडीएफ तो नहीं मिलती, बट डायरेक्टली आप गूगल ब्लॉगर पे जाकर पढ़ सकते हो 24/7, कभी भी जाओ, जब दिल करे आप जाकर पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लॉगर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक को सेव करके रख लो, जब दिल करे जाकर आप किसी भी बुक का पढ़ सकते हो, जो जो वीडियो आती जाएंगी उसको वहाँ पे नोट्स आपको मिलता जाएगा। यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं, थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।